जय भास्कर, मैं भूमिका शर्मा हटीला बैंगलोर से। आज के मुख्य समाचार। बिजनेस बाय ब्राह्मण्स के कार्यक्रम में श्रीमान सुनील शर्मा जी बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित। बैंगलोर से शाकृतीय ब्राह्मण समाज को गौरवपूर्ण करने वाले समाचार मिले हैं। पिछले सप्ताह बैंगलोर के विजयनगर में आयोजित बिजनेस बाय ब्राह्मण्स नामक ब्राह्मण संस्था का कार्यक्रम में हमारे साकृतिप्य ब्राह्मण समाज बेंगलुरु को नई दिशा देने वाले प्रमुख कार्यवाहक भास्कर रत्न भामाशा श्रीमान सुनील जी शर्मा को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये हमारे पूरे साकृतिप्य समाज के लिए गौरव की बात है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में ब्राह्मण को ब्राह्मण से जोड़ना है तथा ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण के व्यवसाय को लाभ पहुंचाकर उसे आर्थिक रूप से संपन्न बनाकर सशक्त बनाना है। Heartily welcome you all for this colorful, wonderful event that is the launch of Sri Kamali New Chapter. Thank you so much. I welcome the members of Kamali New Chapter. चाहे वो कोई भी व्यापार करता हो, जैसे यदि कोई व्यक्ति आभूषण खरीदना चाहता है तो यदि किसी ब्राह्मण की दुकान से खरीदता है तो इसे ब्राह्मण को व्यापार में बढ़ावा भी मिलेगा और आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों को व्यापार में आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस संस्था ने पिछले वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ की वित्तीय लेन देन किया है, जो वाकई ब्राह्मण समाज के लिए बड़े ही गौरवपूर्ण की बात है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सुनील शर्मा जी ने अपने संबोधन में इस संस्था द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों की खूब प्रशंसा की एवं संस्था की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश में इस अभियान को जोर शोर से चलाने की आवश्यकता है। श्रीमान सुनील शर्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा अपनी बुद्धि एवं कौशल से पूजनीय रहा है। आज जरूरत है कि पूरा विप्रा समाज एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करे, जिससे वो आर्थिक रूप से सम्मान एवं सशक्त बन सके। कार्यक्रम में सुनील शर्मा जी का संस्था की तरफ से विशेष रूप से शॉल, माला एवं मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। बैंगलोर के सूर्य मंदिर में मंदिर कमेटी की मीटिंग में मंदिर की व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श। पिछले हफ्ते सूर्य मंदिर के संस्थापक श्रीमान सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में मंदिर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मंदिर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किए गए। विशेष तौर पर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि हर महीने के अंतिम रविवार को शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या के पश्चात प्रसादी अल्पाहार की व्यवस्था भी रहेगी। मुंबई से गौरवपूर्ण समाचार आए हैं कि डोंबिवली में रहने वाले सुशीला हीरालाल जी शर्मा के पुत्र एवं वीना जीवन कुमार जी शर्मा के सुपुत्र संयम शर्मा ने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल जीतकर अपने एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया। जय भास्कर समाचार की तरफ से संयम शर्मा को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। रांची के विमला हरिहर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर राजन पांडे, जो डॉक्टर हरिहर प्रसाद पांडे के सुपुत्र को हाल ही में नई दिल्ली में कई गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन माननीय केंद्र मंत्रियों से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की, उनमें केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय महिला एवं
बाल विकास मंत्री अन्नपूर्ण देवी शामिल थे। ये मुलाकात इन सम्मानित मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने के बाद हुई। विमला हरिहर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रांची में फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और डाइटेंस शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम, बीपीटी आदि। विमला हरिहर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शाक्यद्रव्य समाज के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं के आधार पर 90% तक की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करता है। लावा सरदारगढ़ के श्रीमान राकेश जी शर्मा बने राजस्मंद के सहायक उप निरीक्षक। राजस्मंद से बहुत ही गौरवपूर्ण समाचार मिले है कि राजस्थान के लावा सरदारगढ़ के रहने वाले श्रीमान राकेश शर्मा जी को राजस्मंद में विभागीय पदोन्नत से सहायक उप निरीक्षक ASI बनने पर स्थानीय पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। रांची के बड़ा तालाब के छठ घाट पर प्रत्येक महीने की द्वितीय रविवार को गंगा आरती करने का निर्णय लिया है, ताकि आम जनमास जलस्रोतों एवं पर्यावरण संरक्षक के प्रति जागरूक हो। रांची के बड़ा बाजार तालाब के छठ घाट पर अब हर महीने के दूसरे रविवार को गंगा आरती करेंगे पीयूष पाठक। नदी जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर लिया आरती नियमित करने का निर्णय। नागपुर से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती उमा शर्मा हाल मुकाम मुंगोली के रिपोर्ट के अनुसार जय भास्कर मध्य ब्राह्मण विवाह समूह मंच की राष्ट्रीय महिला सचिव श्रीमती रेखा महावीर शर्मा, सूरत बीकानेर के सुपुत्र जय रजनी शर्मा का विवाह दिनांक 7 जून 24 को जोधपुर में संपन्न हुआ। समाज में एक नई पहल करते हुए आपके द्वारा आर्य समाज एवं कोर्ट के माध्यम से विवाह संपन्न हुआ, यह एक बहुत बड़ा कदम समाज के निम्न वर्ग के परिवारों को एक संदेश जाएगा, जिससे सभी लोग इस तरह कम खर्चे में विवाह संपन्न कर सकते हैं। फालतू के खर्चों को नजरअंदाज करते हुए दोनों परिवारों द्वारा उचित निर्णय लिया गया है। दोनों परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद, इस तरह समाज में नई जागृति उत्पन्न होगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सेना के जवानों के साथ योगा कर पूरा देश योगमय हो गया। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि योग दिवस पर योग करने में शाक्यद्रव्य समाज बंधु पीछे नहीं रहे। कर्नाटक के हॉस्पिटल में रहने वाले श्री बालचंद शर्मा, जो योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, एवं स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ योगा किया एवं स्कूली बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित किया। और भी शहरों से स्वजातीय बंधुओं के योग के समाचार मिले हैं। बैंगलोर से चेतन प्रकाश शर्मा, मुंबई से यज्ञवल्क्य शर्मा, बिहार से श्री राजेंद्र पाठक ने भोजपुर जिले के अंधेरी गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोगों के साथ योगा करके ग्रामीणों को सही तरीके से बैठने और आसान तरीके से होने वाले आसन सिखाए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं भूमिका शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको अगले रविवार पे इसी समय। जय भास्कर।